Muslims online schooling. Assalamu alaikum students, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में। क्या आपको पता है वेदर क्या होता है? जी, जब आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और आसमान पर जो सूरत हाल आपको नजर आती है उसे कहते हैं वेदर। अमूमन हम उर्दू में उसे मौसम ही कहते हैं। तो जब आप बाहर देखते हैं और जैसा समय आपको नजर आ रहा होता है उसे वेदर कहा जाता है। वेदर के हवाले से आपको नजर आएगा कि अगर बहुत सारे बादल हैं तो आप इंग्लिश में उसे कहेंगे इट्स अ क्लाउडी डे, और अगर आपको बारिश का समय नजर आ रहा है तो आप कहेंगे इट्स अ रेनी डे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज धूप नजर आ रही है और बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो रही है तो आप कहेंगे इट्स अ सनी डे, और अगर आपने देखा कि बहुत तेज हवा चल रही है जो कि इतनी तेज है कि सब कुछ उड़ रहा है तो आप कहेंगे इट्स अ विंडी डे। इसी तरह अगर बारिश बहुत तेज हो रही है, इतनी तेज कि गरज चमक के साथ बारिश बस हुए ही जा रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, गरज चमक भी हो रही है, थंडर स्टॉर्म भी हो रहा है, गरज चमक कहते हैं थंडर स्टॉर्म को, आसमान की तरफ जब आप देखते हैं और आपको थंडर स्टॉर्म होता नजर आ रहा है तो इसका मतलब है ये वेदर है स्टॉर्मी वेदर। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ सर्दियों में बर्फबारी होती है और बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है तो हम कहेंगे इट्स अ स्नोवी वेदर, ठीक है? तो इस तरह से हम वेदर के बारे में बात करते हैं। इट्स अ रेनी डे, इट्स अ सनी डे, इट्स अ विंडी डे, इट्स अ क्लाउडी डे टुडे। सो व्हाट डेट इज टुडे? आज कौन सा दिन है? आप भी जरा खिड़की से बाहर देखिए और हमें बताइए कमेंट में। अगर आप इसी तरह और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।